गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू जर्मनी क्लासेस। मैं अभिषेक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं हमारी फिजिक्स बीएससी फिजिक्स की इस सीरीज में, जहां पर मैं आपको सेमेस्टर थर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक करवा रहा था। और मेरा आपको मैं लास्ट में गॉस थ्योरम को समझा चुका था, ठीक है। उससे रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है, या मैं कहूँ इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा, जहां पर आपको एक स्फीयर दे रखी होगी, ठीक है। अब वो स्फीयर दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो कंडक्टिंग स्फीयर के नाम से आ सकता है क्वेश्चन, या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के नाम से आ सकता है। अब पॉइंट आया कि कंडक्टिंग, सबसे पहले बिफोर दिस मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज कंडक्टिंग स्फीयर एंड व्हाट इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखो, जब भी आपको एक क्वेश्चन आएगा स्फीयर से रिलेटेड, स्फीयर या फिर स्फेरिकल शेल करके भी बोल देंगे, कुछ भी, मतलब पॉइंट इज कि अगर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग आ जाए, वर्ड अगर चेंज कर दें, यानी आपके पास एक स्फीयर हो कैसी, कंडक्टिंग स्फीयर, पर एक आपको बोल दें कि दूसरी स्फीयर आपके पास है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो देखो बच्चों, इन दोनों में फर्क क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो बच्चों देखो, इनमें फर्क क्या है, इनमें फर्क सिर्फ इतना है, मान लो ये मेरे पास स्फीयर थी, ये मेरे पास कोई स्फीयर है, इधर भी स्फीयर है, तो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग में सिर्फ इतना फर्क है कि अगर इसके पास चार्ज होगा, कहीं भी इसके पास अगर चार्ज होगा, तो ये क्या करेगी, इस स्फीयर के पास ये टेंडेंसी होगी कि इसके पास जितना भी चार्ज है उस सारे चार्ज को ये सेंटर से हटाकर अपने सरफेस पे ले आएगी। यानी जो इस समय आप फिगर देख रहे हो, थोड़ी देर बाद वो जो है, ये जो आपकी सरफेस है, ये क्या करेगी, यहां से इस चार्ज को रिमूव करेगी, यानी अपने अंदर से चार्ज को क्या करेगी, रिमूव करेगी, और क्या कर देगी, अपनी सरफेस पे ले आएगी, यानी अपनी सरफेस पे ले आएगी चार्ज, फिर जितना भी चार्ज होगा वो उसकी सरफेस पे आ जाएगा, यानी इधर चार्ज कुछ नहीं होगा। लेकिन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो होती है आपकी, उसका चार्ज सरफेस पे नहीं आता, उसका चार्ज अंदर ही रहता है। ठीक है, उसका चार्ज कैसा रहता है, अंदर ही रहता है, इतना ही फर्क है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। और यही क्या कर देता है, यही जब मैं अलग अलग पॉइंट्स पर किसको नापता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को नापता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को नापता हूं, तो मेरी वैल्यूज भी अलग अलग आती है, सिर्फ इन्हीं रीजन की वजह से। ठीक है, फटाफट आपका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चले वाले, ठीक है, ये आप हेडिंग भी नोट कर ली होगी। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फॉर द आउटसाइड दिस वे, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे किस पर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, और सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एट पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फीयर। यानी अगर मेरे पास ये स्फीयर होगी, ठीक है, कैसी कंडक्टिंग स्फीयर होगी, और मान लो इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर, ठीक है,
और कोई आपके पास पी पॉइंट है जो कि सरफेस के बाहर लाई कर रहा है। कैसा लाई कर रहा है? सरफेस के बाहर लाई कर रहा है। मान लो इससे ये पॉइंट जो है वो एट अ डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर की डिस्टेंस पर है, तो क्या होगा इस पॉइंट पर, क्या बन जाएगी इस पॉइंट की वजह से इसके चारों तरफ बन जाएगी एक इमेजिनरी सरफेस, जिसको हम क्या बोल देते हैं, हाइपोथेटिकल सरफेस इनक्लोजिंग द चार्ज, नोन एज गॉसियन सरफेस। तो ये आपकी गॉसियन सरफेस बन जाएगी, ठीक है, चारों तरफ। तो ये आपको एक नए टाइप की स्फीयर को बना देगी, ठीक है। इस स्फीयर की, इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेम उतना ही होगा जितना इसका है, क्योंकि चार्ज तो सेम ही रहा है। फर्क क्या होगा, चार्ज जो यहां पर था, जो यहां पर सिचुएटेड था इसकी सरफेस पर, अब वो चार्ज कहां चला जाएगा, अब वो बाहर की साइड आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, ठीक है, तो हमको किस पॉइंट के लिए निकालना है, जहां पर आपका R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी इन दिस केस कौन सा केस, जब P पॉइंट बाहर लाई कर रहा होगा, ठीक है, All the charge will move towards the sphere of radius, कौन सी radius, small r, that is जो आपकी phi है, flux जो है, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ ds के इक्वल होती है। अब क्योंकि यहां पर देखिए, आप अगर ध्यान देंगे तो भाई आपकी सरफेस का एंगल और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इसी डायरेक्शन में होगी, दोनों के बीच का एंगल कितना है, जीरो, यानी eds cos 0 डिग्री वैल्यू 1, यानी e इंटू 4 पाई। अब इसका हमें स्फीयर, जब चार्ज स्मॉल आर पे आ जाएगा तो हम जो एरिया लेंगे, जिस स्फीयर का एरिया लेंगे, वो अंदर वाली स्फीयर का एरिया नहीं लेंगे, वो बाहर वाली स्फीयर का लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसी स्फीयर के लिए फ्लक्स आपकी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट भी तो होगी, क्योंकि अगर क्यू चार्ज टोटल इस पे था, मैं आपको दिखा देता हूं वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन स्फीयर, ठीक है। तो जब मैं इस इक्वेशन को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे चलता हूं, ठीक है। सो फ्रॉम equation 1 and 2 we get, हमको क्या मिल जाएगा, जो आपका e 4 pi small r square है वो equals to आ जाएगा q by epsilon naught के, यानी जो आपकी electric field intensity निकल कर आएगी वो किसके equal आएगी, 1/4πε0 q by r square के। ये आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, एट पॉइंट पी, ठीक है। चार्ज हमारा कैसा रहेगा, चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट इस सरफेस से इस सरफेस पे, क्योंकि चार्ज एडिशनल थोड़ी, कुछ चार्ज ऐड थोड़ी हुआ है, जस्ट चार्ज ने क्या करा है, चार्ज ने मूवमेंट ही तो करा है, अंदर से बाहर आ गया, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि जितना भी चार्ज उसकी सरफेस पर आ जाता है, मान लो इसके ऊपर मैं चार्ज रख दूं, ये कंडक्टिंग बॉडी है, तो ये क्या करेगी, चार्ज को बाहर धकेल देगी, कैसे धकेल देगी, बाहर की साइड धकेल देगी, ठीक है। इसका सिंपल एग्जांपल, कभी कभी आप लोहे देखना, लोहा अगर आप, अगर मान लो अगर हमारे पास ऐसी पावर होती कि हम लोहे के अंदर चले जाते और उसमें करंट को सप्लाई कर देते, तो हम लोहे के अंदर सेफ रहते,
क्योंकि क्या होता है कि चार्ज जितना भी होता है वो आपका सिर्फ बाहर मूव कर रहा होता है, ठीक है, सिर्फ बाहर की सरफेस पे मूव कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि ये कंडक्टिंग बॉडी की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि वो बाहर की सरफेस पे सारा चार्ज को कंसंट्रेट करवा देता है, ठीक है। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपका नेक्स्ट कौन सा, एट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है, उस पर चलूंगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। तो चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, फिगर को तो मैं बना ही रहने देता हूँ, ठीक है, इस फिगर की हमको जरूरत पड़ेगी, वैसे तो थोड़ा चेंजेस होने फिगर में, तो इसको भी रफ करना ही पड़ेगा। चले अब हमें कौन से पॉइंट के लिए निकालना है, 4 पॉइंट P lies on the surface, on the surface of sphere, यानी आपके पॉइंट P के लिए जो कि उस सरफेस पर लाई करता हो, उस सरफेस पे क्या कर रहा हो, लाई करता हो, यानी अगर आपके पास स्फीयर थी और P पॉइंट भी इसी पॉइंट पर लाई कर रहा है, ये आपका P पॉइंट है, तो इसकी रेडियस क्या थी, R, कैपिटल R, और आपकी वो क्या हो जाएगी, P पॉइंट से मतलब रेडियस भी R होगी, और O से ओरिजिन मतलब इसके सेंटर से P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, R, और ये दोनों क्या होंगे, R is equals to small, मतलब capital R is equals to small R, यानी हम P point के लिए लेंगे, कौन सी condition के लिए, जहाँ पे जो आपका R है, वो small R के equal होना चाहिए, ठीक है बच्चों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो आपकी Gaussian surface होगी, जो आपकी Gaussian surface होगी, वो कहाँ पर बनेगी? वो just इसके ऊपर बन जाएगी, बिल्कुल surface के ऊपर, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा से आपका क्या निकालूँ, phi ds, अब देखो यहाँ पे वापिस से एंगल तो जीरो डिग्री रहेगा, एंगल कैसा रहेगा, जीरो डिग्री रहेगा, है ना, सरफेस के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो यानी क्या, e ds cos जीरो डिग्री, यानी e ds, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसी रहेगी, सेम रहेगी, सरफेस क्या रहेगा, 4 पाई, अब यहां पर क्या होगा, अब चाहे तो आप कैपिटल आर स्क्वायर ले लो चाहे स्मॉल आर स्क्वायर ले लो, बात एक ही है, क्योंकि हमारे पास स्फीयर आर रेडियस किया तो मैं कैपिटल आर ले लेता हूं, चलो ठीक है, और सेम आपका जो फाई है वो किसके इक्वल होगा, चार्ज बाय एप्सिलॉन, चार्ज क्या, क्यों क्या है, टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, यानी ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा Q by epsilon naught इसके बराबर होगा E into 4 pi capital R square, यानी यहां से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आएगा, 1 upon 4 pi epsilon naught Q by capital R square के, ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया अच्छे से क्या किया है मैंने इस क्वेश्चन में, ठीक है, आप चाहे तो इसको हल्का सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बताऊं कैसे, क्योंकि आपका जो क्यू है, आपका जो क्यू है भाई, आपका डी क्यू बाय डी सरफेस के लिए ले रहे हैं, डी एस किसके इक्वल आता है, डी क्यू बाय डी एस किसके इक्वल आता है, वो आपका किसके इक्वल आता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां से जब मैं निकालूंगा तो क्यू इक्वल टू किसके आएगा, इन टू एस, एस क्या है आपका, 4 पाई आर स्क्वायर, तो जब मैं इसको यहां पर पुट करूंगा तो मेरी वैल्यू एक और निकल के आ जाएगी, क्या आएगी, E इक्वल्स टू, अब देखना यहां से 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर मान लो कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरे पास क्या निकल के आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ इतना भी तो हो सकता है या नहीं हो सकता,
हो सकता है ना, तो ऐसे भी हो सकता है। तो बच्चे नोट पढ़ लो आप, ठीक है। चलो ठीक है, नोट किया। चलो अरे ये मैंने आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिखा दी, इस पर चेंज कर देना, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका सिग्मा से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। सिग्मा होगा, एक बार इसको सही कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चले आगे, अब हमारी लास्ट केस जो आता है, लास्ट केस यानी इनसाइड द स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कितना चार्ज होगा, ठीक है। यानी सी पॉइंट आएगा, यानी फॉर द पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यानी ये वाला केस हम किसके लिए ले रहे होंगे कि आपकी आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर, यानी आपके पास अगर स्फीयर जो थी वो आर रेडियस की थी और ठीक है, और ये आपका पॉइंट है, ये आपका सेंटर है ओ, तो एट पॉइंट पी मान लो कहीं अंदर है ना, अंदर के लिए बोल रखा है, ये मान लो मेरे पास पी पॉइंट है, तो गॉसियन सरफेस जो होगी वो मेरी कहां बनेगी, अंदर बन जाएगी। अब गॉसियन सरफेस मेरी कहां बन गई, अंदर बन गई। लेकिन बच्चों देखो, चार्ज अंदर मूव थोड़ी कर सकता है, कंडक्टिंग बॉडी की प्रॉपर्टी क्या होती है अभी बताई मैंने आपको, कि चार्ज बाहर तो मूव कर सकता है, यानी बाहर तो मूव कर सकता है लेकिन अंदर नहीं जा सकता, तो यहां पर चार्ज जो है वो अंदर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है और ये तो आपकी कैपिटल आर मैंने गिवन ही दे दिया, ठीक है। तो आपका जो ई डॉट डी एस होगा, यानी E इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, अब इससे तो अगर मैटर ही नहीं करता, रीजन क्योंकि जब आपका क्यूब एप्सिलॉन नॉट में लिखूंगा तो चार्ज की वैल्यू क्या है, चार्ज तो जीरो ही है, एंड चार्ज इज जीरो इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, then ये इक्वेशन टू आपकी क्या बनेगी, then इक्वेशन टू विल बी phi इक्वल्स टू जीरो। अब जब मैं इन दोनों को इक्वल पुट करूंगा, यानी ये इसको मान लो थ्री, इसको मान लो जो है तो बनी थी, ठीक है। सो फ्रॉम वन एंड थ्री वी गेट वॉट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपकी कैसी होगी, जीरो। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी होगी, जीरो, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया ये वाला केस भी, इसका स्क्रीनशॉट लो। आई होप आपको आज एक एक डायरी एक एक ये जो मैंने पार्ट्स करवाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे तीनों। तो बच्चों अब आपका क्या बचा है, अब आपका खाली बचा है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, तो कल आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हो जाएगा। फिर छोटी छोटी चीजें बची हैं जहां पर आपकी थिन स्लेट होगी है ना, और मतलब विद इन आपका एक दो मैक्सिमम तीन लेक्चर्स में आपका ये पूरा का पूरा यूनिट खत्म हो जाएगी। मुझे पता थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी 12th से रिलेटेड भी थी काफी कुछ, तो इस वजह से थोड़ा इसमें बेसिक्स भी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताना शुरू करा था। बाकी जो आपके बचे हुए चैप्टर्स हैं, बची हुई यूनिट्स हैं, उनको हम आराम से कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास काफी यूजफुल लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में आपको नॉन कंडक्टिंग वाला करवाएंगे और फिर आपका एक क्लास और लेंगे एक्स्ट्रा और खत्म आपके, ठीक है बच्चों। थैंक यू।